भारत पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी, सबसे अलग। जैसे ही इंडियंस यहां पहुंचेंगे, फाइन से कांटेक्ट होगा और खेल खत्म। गदर 2 के बाद सनी देओल और आमिर खान एक साथ मिलकर धमाका करने वाले हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि राजकुमार संतोषी इन दोनों के इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी होने वाली है ये बड़ी फिल्म। दोस्तों, सनी देओल के फैंस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी गुड न्यूज इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। इस बारे में पहले भी ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि एक तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। खबरें हैं कि अगली फिल्म का नाम लाहौर 1947 होने वाला है। अंदाज अपना अपना, घायल, घातक और दामिनी जैसी कई सारी क्लासिक और सुपरहिट फिल्म देने वाले राजकुमार संतोषी ने हाल ही में सनी देओल के साथ अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने सनी के साथ पीरियड फिल्म लाहौर 97 की अनाउंसमेंट की। अब डायरेक्टर ने इस फिल्म की शूटिंग को भी कंफर्म कर दिया है, वो इस फिल्म को जल्द ही डायरेक्ट करेंगे। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। ये फिल्म होगी 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित। फिल्म में सनी देओल लीड रोल में होंगे। बता दें कि राजकुमार ने सनी देओल के साथ आखिरी बार घातक में काम किया था। ये फिल्म आई थी 1995 में। राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ लगभग 30 साल के बाद किसी फिल्म के साथ लौट रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन और सनी देओल ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर कर ये जानकारी दी है। बताया है कि अगले प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। आमिर खान और सनी देओल की तरफ से जारी की गई इस नोट में लिखा गया है कि मैं और आमिर खान प्रोडक्शन की पूरी टीम इस बात का ऐलान करने के लिए बेहद एक्साइटेड और खुश हैं कि हमारी अगली फिल्म राजकुमार संतोषी की डायरेक्टेड और सनी देओल स्टारर लाहौर 1947 है। बता दें कि इस फिल्म में काफी कुछ होने वाला है। ड्रम कर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुटाव को दिखाया जाएगा, जहां पर हर कोई एक दूसरे से लड़ता हुआ भी नजर आने वाला है। वेल, आपको बता दें कि एक्शन और डायलॉग से भरपूर होने वाली है लाहौर 1947। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।